एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वा स्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। अंडमान निकोबार की कमान भारतीय तटरक्षक बल ने मछली पकड़ने वाली बोट फ्लोबिन INDANSMM-2117 को समुद्र में बचाया है। तटरक्षक बल ने बोट से संकट कॉल का तेजी से जवाब देकर समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक कैंपबेल बे में 23 समुद्री मील दूर स्थित एक जहाज ने अपने इंजन कक्ष में पानी भर जाने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तटरक्षक बल ने अपने पोत्र राजकिरण को तुरंत उस ओर मोड़ दिया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जहाज 20 जून की रात 8:50 पर स्थान पर पहुंच गया। तकनीकी दल ने युक्त एक बोर्डिंग पार्टी को इंजन रूम में घुसे पानी का आकलन करने और उसे कम करने के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि 13 जून को नौ चालक दल के साथ मछली पकड़ने के लिए पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट जेटी से रवाना हुई नाव में प्रोपेलर सॉफ्ट के प्रवेश द्वार से समुद्री जल प्रवेश कर रहा था और इंजन पुली के गलत संरक्षण के कारण प्रदोपण में कमी आ रही थी। तकनीकी दल ने तुरंत इंजन रूम में घुसे पानी को रोका। प्रदोपण को बहाल करने के लिए इंजन पुली को फिर से संरेखित किया। प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के बावजूद भारतीय तटरक्षक पोर्ट राजकिरण ने 20 जून को रात 11:30 बोट को भारतीय तटरक्षक पोर्ट C-414 में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। भारतीय तटरक्षक पोर्ट C-414 ने फिर दो सुधार और सुरक्षा उपायों के लिए नाव को कैंपबेल बे हार्बर तक पहुंचाया। अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के अनुसार ये प्रक्रियाएं समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करने और मत्स्य हरण समुदाय का समर्थन करने में अंडमान निकोबार कमान की भारतीय तटरक्षक छावनी के समर्पण को उजागर करती है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।